हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। और आज फिर से हम आए हैं अग्रवाल के घर। जस्ट आए हैं अभी। एक सेकंड गेट लगा दो अग्रवाल के घर का, जो कि बहुत भारी है। ये पकड़ना ब्रो। ओके गाइज, तो अभी हम जा रहे हैं अंदर और अग्रवाल से अभी हम आपको मिलाते हैं। हेलो गाइज, अब हम अंदर आ गए हैं अग्रवाल के घर में। ये रही अग्रवाल, ये रही पायल। बताने ओके गाइस, बाय। तो गाइस, आज फिर से हम कल वाले रूम में आ चुके हैं, जो है सोफे वाला रूम। और आज है हमारे प्लान्स कुकिंग के। कुकिंग अपन क्या खाएंगे आज? कोई बात नहीं। हेलो गाइस, हम लोग आए हैं लंच फ्रेश मैक्रोनी लेने, और अब हम घर जाके मैक्रोनी बनाएंगे। ये वाली तो टेस्टी है, ये एक पैकेट ही ले लेते हैं, बहुत तीखा होता है, मैंने खाया था। ओके, ये वाली रामेन भी ले रहे हैं हम। ले उसको। हाँ, तो अपन तीनों खा लेंगे। ओके, हम आ गए हैं यहाँ पे बॉइल करें। और ये खुल नहीं रहा है, इसको तो इन्हें आता है, ये सब ये खाते हैं। और अब हम मैक्रोनी बनाएंगे, फिर वो खाएंगे, और हम बहुत सारी चीजें लाएंगे। ऑयल कौन सा वाला? ऑलिव ऑयल, शेड नॉर्मल ऑयल देना। हेलो गाइस, उसके अंदर रखा जिसको कुछ बनाना नहीं आता। पिछले बार मैंने इसके हाथ की मैक्रोनी खाई थी, ऐसा लगा मैंने खिचड़ी खाई है। जो खाना है पीजी की खाती नहीं थी, गाइस उस टाइम पे संजवान डी मैंने अभी तक एक का नहीं काटना। मैंने काटना वाटना भी करा नहीं, मैं ट्राई करती हूँ। नहीं, मैं काट रही हूँ। तू ऐसे सर पे मत खड़ी, मेरे को तो बॉईल हो रही ना। क्या कहता, सिर्फ बॉईल का ही काम है? पहले से प्याज काटोगी, फिर उसको अपन करेंगे छिलका ही तक भी। क्या दूसरों के घर पे कुछ काम करने में कितना डर लगता है ना, चोट ना हो जाए कहीं। मेरे को दे दे ब्रो। अरे यार, काट ले, जल्दी कर दूंगी। क्या जल्दी करेंगे? काटना ही नहीं आता यार, लड़कों को काटने में तो बहुत तेज हो। तो मैंने एक का नहीं काटा, मैंने किसी का नहीं काटा। काटना हार्ड है यार, कोई कैसे काट सकता है? देख लेना, चॉपर भी है घर में। और मर्द बहुत अच्छे होते हैं, लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं। यू वांट क्या? मैं पीछे से एक अंकल ने ज्ञान दिया कि जमाना खराब है बेटा, जमाना खराब है, पीछे वाले जेब में फोन मत रखो, कोई ले जाएगा। अबे एक अंकल साइड में जाके भिड़ गए यार, तो पता नहीं कैसे सिखा रहे थे। बड़ी हो गए, पीछे वाले जेब में रखते फोन, आते तो कोई नहीं लेगा बेटा। पर होती है अजमेर में वारदात है, वारदात है भारी। अक्षत, आज ब्रेकिंग न्यूज, कुछ 12 शहर का फोन। गाइस, बंदे के प्याज काटने का तरीका देखो, ये भाई इसको पीछे का हटाना रहता है। खुशी प्याज ऐसे नहीं काटते, प्याज का अपमान हो रहा है। किसके हाथों में आ गई यार, इसको कुछ नहीं आता यार। तो ठीक है ना, मेरे को भी बस रोटी बनानी आती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है ना, मैं सब्जी बनाऊंगी, तुम रोटी बनाना। भिंडी खानी पड़ेगी रोज। हाँ ब्रो, रोज भिंडी खानी पड़ेगी। मेरा बस चले तो मैं तो खा लूं डेली। साफ सफाई तुम करोगे, ऐसा लगता है कि हो गया शायद। इसके लगने नहीं लगने से क्या होता है? तू जाके चेक कर भाई, खिचड़ी नहीं खानी फिर से। मैं प्याज कट कर दूं यार, तुम्हारे थकने नहीं थकने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। फाइनली प्याज कट गई, प्याज कट चुके हैं, तीन लोगों ने प्याज काटा। जिसमें ज्यादा अच्छे से मैंने काटा है। ब्रो, तुमको
खाने को मिल रहा है उसमें खुश रहो ना। और बड़े हम लेके आए हैं हॉट एंड स्पाइसी रामन, इसको भी हम खाएंगे। कुदू करते तुम्हारा नाच देखा था हमने। अब गाइस तुम लोगों को रेसिपी सिखाएंगे। चुप रहो, सबसे पहले अपन लेंगे थोड़ा सा ऑयल। यार अब इसमें ऑयल का भी नहीं पता लगेगा कितना ऑयल चाहिए यार। इसे बस खुद के बर्तन में बनाना। सही सही बात है। उसे नहीं कहते जो हर जगह ढल जाए ना, हर जगह हो जाए उसे कहते कभी। फिर इसे ऐसे लोगों के घर में ना ऐसे होती है। अब वो दो जीरा। यार मैक्रोनी में जीरा डालते अरे तुम देखते जाओ, फिर देखते ही जा रहे हैं। गाइस पहले तेल को गरम होने देना, नहीं तो तुम्हारा जीरा कच्चा रह जाएगा। उसको देख के फिर एक ही वीडियो याद आएगी। जीरा तेल में फिर उसे ऐसे नाचना पड़ेगा। ये हमारे दोस्त हैं बताए, वो समझ जाएगा जो ये वीडियो देखेगा। आई हैव टू पार्क ऑन दिस। देखो वो वीडियो देखेंगे तो और हंसी आएगी। मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अभी तभी तो वीडियो दिखाएंगे। अरे दिखाते क्या हम। फिर कोई लिखेगा क्रिंज कंटेंट। हाँ फिर अपन को भी लिखना पड़ेगा गो बैक गो बैक। ऐसे ऐसे ही वो स्लो हो रहा था। फिर गाइस थोड़ा सा पीछे जा थोड़ा सा। अरे आप वो वीडियो मांग रहे लाओ प्याज दो। फिर जो आपने प्याज काटे हैं उसको उसमें डाल दो। वो इसको ड्रेन करके लाओ जाओ माइक्रोनी को। देखना कैसे काम करवा रहे। ला रहे ला रहे वीडियो दे। सॉस को ऐसे स्पून पे लेना है और फिर ऐसे डालना है। फिर ऐसे इसमें डाल देने का। हाँ भी टू कर देना। मुझे अच्छा डांस कर देता है इसने तो सादा सॉस डाल दिया है। अरे ब्रो पता भी नहीं लगेगा मेरे को तो ये बहुत है। यार तूने इसके अंदर क्यों सॉस डाल दिया है। अरे उसको ड्रेन करके लाओ ना। लाओ मैगी मसाला लाओ। अरे भाई मेरे को भी सॉस कतई ही नहीं पसंद। पता नहीं वो देख के कुछ कुछ बोल रहे। अरे कोच अब इसको भी चाहिए नहीं है कर लेंगे क्या चाहिए। थोड़ा तो भरोसा रख मुझ पर यार। ये तो अपना मारा जा रहा है ब्रो। ये तो चिपका हुआ है कोल। अरे वो चाहिए ऐसा बुर बुर और ये ऊपर है जा पानी चला जाए। सुनो 24 साल हो गया है या 23? 24। अरे ये तो मार्च 23 में एक्सपायर हो गया है। अरे मार्च 23 में बना होगा। जुलाई 22 में बना है वो। ये तो एक्सपायर हो गया। वो शर्ट ये सब जल रहा है इधर। अब बताओ इसलिए वो चिपक गया ये वाला। सेम ही तो है बाजार से ला दी। वापस आएंगे तब नॉर्मल हो जाएगी। तो कुछ चलेगा ना मैगी मसाले के ना। अबे बिना मैगी मसाले के टेस्टी तो बोलेगी कि गंदा बनाती है। पर तेरे को पता था ना क्या क्या डालना है तो तुझे पहले ऐसे कंफर्म करके जाना था कि तुम्हारे पास क्या क्या है। और दूसरी चीज ये भी बताना था क्या क्या सामान चाहिए। मेरे को मिली यार गाइस इन लोगों की वजह से मेरे सामान। हट जाओ तुम दोनों हट जाओ। मेरी बारी आई। अरे तू नहीं पकड़ तू पकड़ लो। अरे ब्रो तू नहीं पकड़ पाएगी। तू खुशी तू रहने दे छोड़ दे।
गाइस ऐसे क्यों है? अरे हमने तो बड़ा वाला ही देखा था. वो तो ऐसे करके मस्त उठा लेती था. ओ ब्रो तूने इसको उल्टा कर दिया. हाँ ब्रो अब आएगी ना ये. अरे मैं पकड़ रही. चुप रहे. तुमको पता है ना क्या कि मेरी मैक्रोनी बिगड़ जाएगी तुम लोगों की वजह से. गाइस वी आर बैक. वी आर बैक. हम लोग भी आए हैं. थोड़ा सा पानी. उसके बाद में थोड़ा सा मैगी मसाला. पता है इसको दुकान पता नहीं है. मेरे को गलत लेके दी थी भाई. मेरे को रास्ता नहीं याद था ना. अरे मेरे को क्या नहीं मानी थी ना. एक और मसाले का लाने का था. भूख तो मार के खिला. मैं तेरी मम्मी हूँ. आज तो बेटा आपकी बारी. मिर्ची डाल दो. मिर्ची दे दो. मिर्ची तुमको पहले नहीं याद आया मिर्ची डाल दी. ऊपर से आप गंदे मैं डाल दूंगी. मैं ब्रो बोल रही हूँ. क्या नहीं चिली फ्लेक्स डाल. अब ऑरिगेनो डाल दो इसमें. इसमें शेफ मुझे क्या. तुम बदतमीज हो पता है. इसमें पानी चाहिए. और पायल अब रामेन बना दी. और थोड़ा है ना ये इसको देखो. देखो ये मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है. अदरवाइज मैगी खा के मैक्रोनी खाओगे बहुत फीकी लगेगी. दे इसको. तुम यारे दो दो स्पून क्या लेकर आइएगा. उसके लिए अलग उसके लिए अलग. मेरे को है ये फोक से नहीं खाई जाती ना. वो बिगड़े हुए शेप की देरी है. मैंने ठीक करे हैं तीनों शेप अभी. तब भी वो एक बिगड़े हुए शेप की इसके इसने बिगाड़ी है क्योंकि मैं बैठ गई थी उसमें. हाँ हम बुलाने भूल गए थे. हमारे चैनल का नाम है दोस्त व्लॉग्स. दोस्त 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 कैमरामैन खुशी पाराशर. एडिटर पायल माथुर. दोस्त स्वस्ति अग्रवाल के साथ में रिपोर्टिंग लाइव. गाइस अब हम लोग मूवी देख रहे हैं. गाइस हम लोग मूवी देख लिया हमने. खाना खा लिया हमने. अब हम बाहर सनबाथ लेने आए. सनबाथ धूप खाना है. खाना खाया ना अभी तो फिर अब धूप नहीं खा सकते इसलिए सनबाथ.